यूक्रेन पर रूस का जबरदस्त हमला जारी है। रूस ने यूक्रेन के एक और पुल को तबाह कर दिया। 74 दिनों से जारी है रूस यूक्रेन में जंग। लगातार कोशिश ये हो रही है रशिया की ओर से कि पुलों को तबाह कर दिया जाए, जिससे कि रसद की सामग्री और खाने पीने की जो ड्रग्स हैं उन्हें ना पहुंचाया जाए। चौहत्तर दिन बाद भी रूस यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग जारी है। रूस चुन चुनकर यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में जुटा हुआ है। रूसी ड्रोन गाइडेड तोपों ने यूक्रेन में बने एक ब्रिज को तबाह कर दिया है। आसमानी नजर से देखिए, ये नदी पर बना पुल है। इसी पुल से यूक्रेन की सेना और उनके लिए रसद सामग्री पहुंचाई जाती थी। ये खार्किव और डोनबास इलाके को जोड़ने वाला काफी महत्वपूर्ण पुल है। रूसी सैनिकों ने इसे निशाना बनाया और तबाह कर दिया। ये हमला इतना भयंकर था कि आसमान में कई सौ मीटर ऊंचाई तक धूल और धुएं का गुबार उठा। इस हमले के बाद नदी के दोनों किनारों की दूरी खत्म करने वाला पुल अब पानी में तैर रहा है। डोनबास में यूक्रेनी सुरक्षा बलों और रशियन फोर्स के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। रूस तो इससे ज्यादातर इलाके पर कब्जे का दावा कर रहा है, लेकिन उसके लिए ये जीत आसान नहीं होने वाली है। यूक्रेन की आर्मी उन्हें जोरदार चुनौती दे रही है। ये देखिए ट्रेन से किस तरह से यूक्रेनी सैनिकों की मदद के लिए हथियारों का जखीरा डोनबास इलाके में पहुंच रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।